नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। शाहजहांपुर जिले की सुरक्षित लोकसभा सीट पर वोटरों का रुझान जानने के लिए यूपी 5 टाइम्स की टीम ने ग्राम कटिया, रज्जब, शाहगंज, गोटिया आदि ग्रामों में भ्रमण किया। आइए देखते हैं। शाहजहांपुर 27 लोकसभा सुरक्षित सीट पर आज हम आए हैं ददरोल विधानसभा के ग्राम कटिया रज्जम में। और यहाँ दोपहर का समय है, हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, चुनावी चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच हम भी चुनावी चर्चा में शामिल होते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या माहौल है चुनाव का। बताएंगे, लोकसभा चुनाव चल रहा है तो क्या माहौल है शाहजहांपुर लोकसभा चुनाव का? माहौल बढ़िया है, गठबंधन जीते हैं। गठबंधन जीतेगा, गठबंधन को वोट करेंगे? गठबंधन करेंगे। क्या खूबियां दिखाई दी आपको गठबंधन में? गठबंधन बहुत फायदा है। क्या फायदा? एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ मोदी सरकार है। मोदी ने आज तक जो बोलो सब झूठ बोलो, सच्ची कोई बातें नहीं बोली। सच कोई बात नहीं बोली, नहीं सब झूठ। इसलिए गठबंधन को मतदान करेंगे, इसलिए गठबंधन को मतदान करेंगे। आप बताएंगे सही बता रहे हैं? सही बताना चाह रहे हैं, यही बात है। यही बात है, यही बात। आप किसको मतदान करेंगे? गठबंधन को। अच्छा अच्छा, आप बताएंगे दादा? गठबंधन वोट देंगे। गठबंधन को वोट देंगे? गठबंधन वोट देंगे। क्या वजह है? इन्हें करा क्या, कोई कर्जा की माफी नहीं करी, इन्हें कुछ भी नहीं, कुछ भी जो किया वो वादा गलत ही करो, जो वादा किया वो गलत ही सब करो। DAP भाव बढ़ाई दो, डीजल भाव बढ़ाई दो, कौन से फायदा है? 47 किलो यूरिया कर दो। गठबंधन को मतदान करेंगे, आप बताएंगे दादा? इनसे पूछ लेना, क्यों करेंगे गठबंधन को मतदान? इस सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ? कैसे, क्या फायदा नहीं हुआ आप बताएंगे? BJP ने जो भी वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए। काला धन वापस नहीं आया, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आए। बहुत से वादे ऐसे हैं जो झूठे हुए। अब मोदी जी झूठे झूठ ही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और गठबंधन को ही सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार बनाई सरकार। आप बताएंगे? सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार हुए, दलितों पर अत्याचार हुए। इस सरकार ने दलितों पे अत्याचार किए सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। हाँ, तो आपकी क्या राय है, किसकी सरकार इस बार बनेगी? सिर्फ अखिलेश और मायावती उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश और मायावती की सरकार बनेगी जी। क्या खूबियां दिखाई दे रही हैं आपको? सब कुछ खूबियां खूबियां है। अब देख लो जो पाप किया वो सामने आ रहे हैं। आप बताएंगे दादा? सबकी राय है गठबंधन को देना। क्या गठबंधन में आपको खूबियां दिखाई दे रही है? पहले रह चुके हैं, उन्होंने काम किए हैं, उनका काम है। उन्होंने जो काम के वादा किए हैं सब गलत हैं, झूठे साबित हो गए। 15 लाख आएगा, ये आएगा, वो आएगा, किसानों को हर चीज़ बढ़ा दी, हर रेट, मतलब समझ लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें पैसे की भरमार न करें। 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में पहुँच गई। इससे पहले महंगाई नहीं थी? महंगाई थी, इतनी नहीं थी। इतनी नहीं थी महंगाई? उस टाइम आदमी यही लोग चिल्लाते थे, आज कोई नहीं चिल्ला रहे हैं। भाजपा से आप क्यों असंतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं, मतलब काम। भाजपा से असंतुष्ट क्यों है? असंतुष्ट नहीं, काम नहीं हुए ना, काम नहीं हुए। चुनाव चल रहा है, आपकी क्या राय? गठबंधन में सभी लोग गठबंधन के लिए कह रहे हैं, आखिर ऐसी क्या खासियत है गठबंधन में? दिक्कत ही आई। क्या दिक्कत आई ये बताएं? दिक्कत क्या, एक दो दिक्कतें बताओ। क्या पैसा है, हम क्या छेगा मिले जो किसान लोगों की योजना चली? तो आपके गांव में कितने किसान हैं लगभग? कितने हैं गिनती? ज्यादा हुई कितने? आधे ज्यादा गिनती बताएंगे? अरे सब किसान हैं, पूरा गांव किसान है। कितने लोगों को रुपए आए होंगे? मात्र 4-6 लोगों आपके आए हैं? नहीं आए हैं, सही बात। चुनाव चल रहा है तो आपका क्या रुझान है? रुझान क्या है कि बिल, लाइट वाला बिल है जो कौन भर पाएगा, इतना बिल आएगा कौन भरेगा? इतना मतदान किसको करेंगे ये बताओ? मतदान जिसका विजय देखेंगे उसी में डाल देंगे। जिसकी विजय देखेंगे उसी में डाल देंगे। आपका अभी कोई मूड नहीं है किसको वोट देंगे? अच्छा ठीक।
हाँ क्या कहे बाबा जब कौन कर रहा है वोट वन तो डरे मशीन खंच जाके दबा नहीं तो अपने हाथ से ना डरा वोट हाथ से डलाया जाए वोट हाँ मशीन से नहीं डरे डन के जाके दबा करो अच्छा मशीन से नहीं पढ़ना चाहिए हाथ से वोट पढ़ना चाहिए हाँ तो यही तब मैं रोटी भी बात सही है आपकी काम ने बाकी रखी बाकी नहीं रखी मेरे वोट फोन तक खींची को जब कोई बात हुई जाए को इंतजाम नहीं कर सकत चलो कट जाए को करो इंतजाम बात करेंगे बताओ दादा लोकसभा का चुनाव चल रहा है आपकी क्या राय है क्या माहौल चल रहा है यहाँ किसको वोट दोगे अच्छा अच्छा चलो ठीक है इनसे दादा से बात करते हैं आप बताओ ममता भाई वोट जवाहरलाल को देंगे जवाहरलाल को कौन सी पार्टी से जवाहरलाल बसपा से क्या खासियत है बसपा क्यों बसपा को वोट देंगे बसपा से हमें बड़ा उन्नत मिली है बहुत दंदल मेरे रोड में थे बहुत बहुत प्रयास से गहरे में दंदल में जाते थे अच्छा हमें बहुत सुविधा मिली है आप बैठ सकते हैं हम भी बैठ सकते हैं यहाँ पहले कीचड़ भरी बहुत कीचड़ थी आप निकल नहीं सकते थे अच्छा अच्छा इसलिए आप जब अम्बेडकर ने गांव लगाया हमारा उन्नत हो गई हमारी रोड हो गई आप भी निकलते हम भी निकलते बैठ के लोट सो भी जाते हैं अच्छा अच्छा देखो इनकी जानकारी लेंगे लोकसभा का चुनाव है तो आप आपको कौन सा कैंडिडेट पसंद आ रहा है या पार्टी पसंद आ रही क्या चर्चाएं चल रही है चुनाव गठबंधन वाली गठबंधन वाली क्यों पसंद आ रही है गठबंधन वजीफा मिल रहा था वजीफा नहीं फार्म भराए जा रहे हैं कुछ बराबर नहीं हो रहा हाँ आप बताओ किसको वोट करेंगी आप वोट हम जवाहरलाल जवाहरलाल कौन सी पार्टी से खड़े हैं जवाहरलाल भाजपा है भाजपा आपको मालूम भी नहीं है हाँ आप बताओ आप बताओ बताओ वोट भी हम जय जी इसको बताओ किसको बहुजन समाज आप बताओ लोकसभा का चुनाव चल रहा है क्या चर्चाएं चल रही हैं किसका माहौल है चुनाव माहौल गठबंधन का ही चल रहा है बढ़िया चल रहा है ठीक है और अपना गठबंधन सरकार जो आई है इसमें तो इसमें सपा का बढ़िया सपोर्ट हमें मिलता रहा अच्छा अच्छा पिछली बार आपकी को तो कुछ नहीं मिला है मोदी से आप क्यों नाराज हैं भाजपा से इतना क्यों नाराज क्या नाराज है आप बताइए आपको गैस मिल रही है तो गैस का रेट समझ रहे हैं आप क्या रेट चल रहा है ठीक है क्या रेट स्कूलों में आज की डेट में देखो 800-900 रुपए है जो 450 में मिलती थी गैस अच्छा अच्छा ठीक है और स्कूलों में आज की डेट में पढ़ाई भी नहीं बढ़िया होती है ठीक है बसपा की सरकार में पढ़ाई क्या बढ़िया हो रही थी बढ़िया हो रही थी ठीक है सभी लोग टाइम से भी आते थे बच्चे भी पढ़ते थे आज की डेट में देखो जाके बच्चे घूम रहे हैं स्कूलों में जाते हैं 11 बजे 12 बजे कोई नाम हाजिरी लगवा के चले जाते हैं जे भाजपा से गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है क्या भाजपा सरकार में बिजली आई है आपके गांव में नहीं बिजली आई है पर नहीं इतनी आई है अच्छा 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 ठीक है अब बिजली भी आई है तो क्या है बिल देखो इसका क्या जा रहा है आपने घर घर लगवा दिया है ठीक है इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है ठीक इस खबर में इतना ही धन्यवाद UFT News 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।